होली और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल मेरी छुट्टी है तो लेट्स सी, अभी कुछ पर्टिकुलर प्लान नहीं होता है मेरा, कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं होता है। जब जैसे जो होता है ना वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि वर्किंग के साथ पर्सनल लाइफ प्लस खुद का हेल्थ का ध्यान भी रखना होता है। तो बस अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ, ड्रेस चेंज किया है मैंने और किचन में कुछ थोड़ी सी 1% प्रिपरेशन करी है। और पहले मैं करती हूँ हमेशा ऑफिस से आने के बाद अपने भगवान का दिया बत्ती, तो चलिए फटाफट से वो कर लेते हैं। और आज हमारे यहाँ ना बारिश आ रही है, सो आज दिन में भी बहुत तेज़ बारिश आई थी और अभी भी बहुत तेज़ बारिश है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, शायद अंधेरा हो गया है तो मे बी ना दिखे, बट आई विल ट्राई टू शो। ये देखिए हमारे यहाँ पर अभी तो हल्की हल्की फुहार भी हो रही है, लाइट चलाती हूँ, देखिए। सो अभी तो हल्की हल्की फुहार ही हो रही है, बट हाँ दिन में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़ हवाएं चली, बारिश हुई थी। ऑफिस से बालकनी से हम उस व्यू को बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो बस इस तरह से मौसम है। अब पता नहीं आज होली का दहन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो चलिए भगवान का दिया बत्ती करते हैं। होली का दहन का टाइम है 9:15 का। मैं पूछ के आई थी रास्ते में, बट अभी इस बारिश में तो पता नहीं क्या होगा। वहाँ पर बच्चे बैठे थे और तैयारी कर रहे थे कुछ आसपास, जो भी वाइट पाउडर डालते हैं ना, राउंड बनाते हैं होली का दहन का, तो वो सब वो चीज़ें कर रहे थे। तो मैंने पूछते हुए ही आई रास्ते में कि कितने बजे का क्या मुहूर्त है, तो उन्होंने बोला कि 9:15 बजे हमारे यहाँ पर होली जलेगी, कॉलोनी में ही है। तो बस अभी दिया बत्ती करते हैं, फिर खाना बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन रहता है, जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ दीपक अगरबत्ती, और सबसे पहले मैं ठाकुर जी के दीपक अगरबत्ती करूँगी, उसके बाद तुलसी जी का दीपक मैं यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं लेकर आई हूँ जो पानी की जगह मैं दिया रखती हूँ वो, और उसे मैं यहाँ पर तीनों चारों एक साथ ही जलाऊँगी और फिर उसके बाद उन्हें उनके जगह पर रख कर आ जाऊँगी। तो बस इसी तरह से आपके घर में ना दीपक जलना ही चाहिए सुबह और शाम, ताकि आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। और दीपक की लौ से जो तेल जलता है, घी जलता है ना, उससे घर में शुद्धि होती है और आपके घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव बनता है। तो ये कुछ रूल है जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, स्पेशली संध्या टाइम पर तो आपको दिया करना ही चाहिए। सो गाइस दिया बत्ती हो चुका है और उसी के साथ मैंने पहले से आते ही दूध भी गर्म करने रख दिया था और आलू के लिए कुकर में आलू चढ़ा दिए थे। सो मैं आज आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी बनाने वाली हूँ, और काफ़ी दिन हो गए हैं आलू की कोई सब्जी ही नहीं बनी है, जनरली दूसरी सब्जियाँ ही बनती हैं। तो बस वही मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं, यहाँ पर दूध गर्म ऑलमोस्ट होने आया है। तो उसके बाद अब मैं नेक्स्ट काम करूँगी, और कुछ काम ना सुबह के भी छूटे हुए रहते हैं तो वो भी करने रहते हैं। तो चलिए अभी मेरे किचन में पसारा हो रहा है, आप देख सकते हैं कल सामान आया था और लेट आया था तो मैं कुछ भी सॉर्ट नहीं कर पाई, तो अभी वो करती हूँ। सिस्टमेटिक व्लॉग्स आपको नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बहुत हॉटपॉट हो जाता है शेड्यूल। सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपसे आपको व्लॉग भी दूँ, और हो सके जितना पॉसिबल करूँगी कि मैं आपको व्लॉग्स दे पाऊँ, कंटेंट दे पाऊँ देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आपके। तो चलिए फटाफट से अभी काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। भगवान के यहाँ पर मंदिर में एक कंटेनर रखती हूँ जिसमें घी भरा हुआ रहता है, तो वो अब ऑलमोस्ट लास्ट तक बचा हुआ था, तो मैं उसे पिघाल के और निकाल रही हूँ दूसरे कंटेनर में। उसी के साथ इसको साफ़ करके क्लीन करके रख दूँगी ताकि मैं फिर से नया घी इसमें फ्रेश फिल कर सकूँ। तो बस यही काम यहाँ पर चल रहा है, उसी के साथ दूसरे काम हैं आलू प्याज वगैरह सब कुछ सेट कर रही हूँ। और क्योंकि ये काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सामान लेकर आ जाना तो जितना ईजी है ना, उनको सेट करना उतना ही मुश्किल है। तो बस इसी तरह से यहाँ पर मैं ये काम भी करती जा रही हूँ, पुराने जो आलू प्याज हैं उनको सेट करना, उसको बास्केट को क्लीन करना। तो गाइस मेरा आटा गूंदा जा चुका है, आलू बॉईल हो चुके हैं और सब्जी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। उससे पहले मुझे इस रूम का सेटलमेंट करना है। तो जनरली क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बैटरी झटकना रह जाती है, तो मैं शाम को आके बेडशीट वगैरह सब सही करती हूँ सोने से पहले, ताकि अगर ये लोग सुबह लेट भी उठ जाते हैं नींद और नींद के पापा, तो मेरा झाड़ू एटलीस्ट निकल जाता है इनके उठने से पहले। सो मेरा एक काम तो अर्ली मॉर्निंग फिनिश हो जाता है। तो चलिए अब फटाफट से मैं यहाँ का सेटलमेंट करती हूँ और उसके बाद हम बाकी का खाना बनाएंगे। सो मैं इनको भी सेटलमेंट कर देती हूँ, और कल मेरा बर्थडे था तो इस वजह से मैं केक लेकर गई थी अपने दोस्तों के लिए, अपने टीममेट्स के लिए, तो ये एक नेसेसरी काम है तो करना ही पड़ता है। सो बस ये बॉक्स भर के पूरा लेके गई थी, काफ़ी सारे दोस्त हैं, सबसे हो जाती है ना दोस्ती एक टीम में हम लंबे टाइम तक काम करते हैं। तो तो
तो गाइज हम लोग होली देखने आए हैं, वैसे यहाँ 9:15 का टाइम था बट हम लोग जल्दी आ गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया पटाखों वटाखों की आवाज़ सुन के, हमको लगा यहाँ होली जल रही है। तो जैसे जैसे ऑफिस का ड्रेस बना था ना वो का वो रेडी होके आ गए। नीत भी आ गए मेरे साथ होली देखने। सो बस अभी यहाँ सामने होली की प्रिपरेशन चल रही है, आप देख सकते हैं। एक्चुअली बारिश हुई है तो उस हिसाब से सारी प्रिपरेशन चल रही है। सूखी सूखी घास को अरेंज किया गया है, लगाया गया है और बस इस तरह से होली जलेगी। तो यहाँ पे है हमारी नीत की पिचकारी, दो दो पिचकारी है। दूसरी भी बताओ, ये वाली एक ग्रीन एक पिंक। सो गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पर 9:15 बजे होली दहन होगा और अभी हमारा क्या है कि सैड पौने हम लोग 8:15 चले गए थे वहाँ पे, तो हम लोग आ गए, हमने खाना वाना खाया है और अभी 9 बजने वाली है, तो बस 5 मिनट बाद हम लोग निकल जाएंगे दोनों वहाँ पर। और अच्छा हुआ मैं घर पे आ गई क्योंकि होली का जब जलती है ना, तो जब जो जल जाती है तो एक बार हम उसको हाथों हाथ वहाँ पर भी पानी से ठंडा करके आते हैं, और मैं पानी का कुछ भी लेकर नहीं गई थी वहाँ पर। सो बस मैं अभी वो भी लेकर जाऊँगी यहाँ से एंड देखते हैं वहाँ का होली का दिन। मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा है, इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है, थोड़ा सा रोड लाइट वगैरह एक दो चल रही हैं बस। हेलीकॉप्टर हाँ। सो बस चलिए मिलते हैं, अब हम लोग निकलते हैं और वहाँ पर ही नीत के पापा भी आ जाएंगे, उनको भी किसी काम से जाना था तो वहीं से चले गए और डायरेक्ट वहीं पर आ जाएंगे। तो चलिए अब निकलते हैं, चले नीत अपन होली देखने, चलो। क्या होता है? हाँ क्यों होता है? क्या है वो? होली जल गई ही। गाइज अभी बज रहे हैं 9:45 और बस रात को 9:30 के बाद का जो टाइम होता है ना, 9:15 से 9:30 का, वो होता है हमारी वीडियो कॉल पे मम्मी का, मेरी सिस्टर का, नीत का। तो बस वही सब हमने अभी किया है। अभी मैं मिल्क रेडी करूँगी नीत का और जो एग्जिस्टिंग बर्तन वगैरह हैं थोड़े बहुत हैं वो माँजूँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में। तो चलिए अब मिलते हैं कल और सबको हैप्पी होली। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुकी है नेक्स्ट सुबह और मुझे उठे हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। सो मैंने नीत को दूध पिला दिया है और झाड़ू निकाल दिया है, पानी गर्म रख दिया, मैं नहाऊंगी और माताजी ठंडे करने जाऊंगी। तो कल से होली का दहन हुआ है तब से अगले कुछ दिनों तक माताजी ठंडे करने जाना पड़ता है, तो बस मैं नहा के अभी जाने ही वाली हूँ। अभी तक मैंने कुछ भी चाय वगैरह पिया नहीं है, सो उससे पहले ही जाऊँगी। एक्चुअली सुबह सुबह ही जाना होता है बट नहाने के बाद ना झाड़ू पोछे करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए मैंने झाड़ू को एटलीस्ट निकाल दिया। अब मेरा पानी गर्म हो चुका है, मैं नहा रही हूँ और नीत और नीत के पापा भी उठ चुके हैं बट वो पूरी तरह से नहीं उठे हैं, अभी थोड़ी देर लेटे रहेंगे। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और फटाफट से मैंने अपना जो पानी का जग है वो भी अच्छे से मांझ लिया है, उसमें फ्रेश पानी भर दिया है केन से, और अब मैं चलती हूँ और माता जी ठंडे करके आती हूँ। तो इस तरह से 9 माताओं की स्थापना की जाती हैं, तो ये 9 माताएं हैं, सब अलग अलग साइज़ में, एक बड़ी माता जी, छोटी माता जी, इस तरह से 9 माताजी हैं। तो इनको इस तरह से जल से ये ठंडा किया जाता है, कुछ लोग दही से भी इन्हें ठंडा करते हैं, आप देख सकते हैं जैसा कि दही इन्हें चढ़ाया गया है। साथ ही मैंने पीपल के पेड़ पे भी जल चढ़ाया और बस अब मैं निकलती हूँ वापस घर के लिए। सो आई एम बैक टू होम। थोड़ा सा दूर था पैदल चलने में और आज कोई रश नहीं था, सब अलग अलग टाइम पर आ रहे थे, तो बस अभी मैं आ गई हूँ। मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा सांस फूल गई है क्योंकि पैदल चलने की आदत नहीं है ना, वर्किंग लाइफ ऐसी है कि 9 घंटे सिर्फ बैठे के बैठे रहना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज यहाँ पर रेडी है मेरी चाय और बस अब मैं चाय पी लूँगी। तो यहाँ पर है नीत जो आपको अपना टेडी दिखा रहा है और मेरी चाय है रेडी। सो अब मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ठाकुर जी को नहलाऊँगी, उनको पुराने कपड़े पहनाऊँगी, उसके बाद उनको होली खिलाएंगे। और जनरली क्या होता है हमारी फैमिली में, हम लोग सब होली के दिन सुबह सुबह एक बार तो नहा ही लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा होली खेलते हैं, उस दिन देख लेते हैं नहाना है क्या करना है।
तो बस यहाँ पर नीत अपनी मस्ती कर रहा है, बस छोटे बच्चों को नहीं नहलाएंगे तो मैं नीत को नहीं नहलाऊंगी क्योंकि कल बारिश हुई थी और मौसम भी ठंडा था। हालांकि आज कड़क धूप है बट स्टिल बच्चों के लेकर रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद खेलते हैं हम होली ठाकुर जी के साथ। तो गाइज़ मैंने कर ली अपनी ड्रेस चेंज और मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि आज है होली और आज शिव भगवान के भोग लगेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी जिसे बहुत सारी जगहों पर काशी फल भी कहा जाता है। और यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ गेहूँ के आटे का क्योंकि और कुछ मुझे सूझा नहीं और नीत को हलवा पसंद भी है तो मैंने सोचा इसी का भोग भी लगा देती हूँ और नीत भी खा लेगा। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमारी सब्जी भी बनती जा रही है और हलवा भी बनता जा रहा है और उसके लिए मैंने पानी पहले से गर्म करके रखा था ताकि हलवे में डाल सकूँ। तो बस इस तरह से मैं आ चुकी हूँ वापस यहाँ पर। ठाकुर जी को मैंने पुराना जो उनका ड्रेस है वो पहना दिया है, दिया बत्ती वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर पहले से कर दिया है और बस अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर जागता। तो ये गाय का कंडा है गोबर से बना हुआ, तो बस उसी से भोग लगाया जाता है जितने भी भगवान होते हैं और या जितने भी पितर होते हैं उनके लिए। तो मैं यहाँ पर दो थाली प्रिपेयर कर रही हूँ, एक मैं कर रही हूँ पितृदेवों के लिए और एक ठाकुर जी के लिए भगवान के लिए। तो बस इस तरह से मैं लेके जा रही हूँ थाली और उधर मैं भोग लगा दूँगी। तो मैं सारा सामान पहले से सेट करके रखे हूँ यहाँ पर, मैंने एक प्लेट में निकाला है क्योंकि मेरे पास मिट्टी का दुबारना नहीं है जिसमें मैं जागता को रखती हूँ। तो बस इस तरह से यहाँ पर खाने का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सब्जी नहीं बस हलवा और जो पूड़ी होती है रोटी होती है उसको हम जागता पे रखते हैं, फिर उसमें घी को भी डाला जाता है ताकि भोग लग सके। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ और लास्ट में मैं पानी का भी संकल्प ले लूँगी। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। सो गाइज मेरी धूप वगैरह लग चुकी है और अब मैं जाऊँगी उधर, अब बैठते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। कंटिन्यूसली सुबह से काम हो पा रहा है तो 5 मिनट थोड़ा सा मोबाइल वगैरह देखूंगी, सोशल मीडिया चेक करूंगी। नीत जो है ना वो सुबह 5 बजे ही उठ गया था, तब से खटर पटर, उसके बाद तो उसने उठा ही दिया पूरा अंधेरे में, हम दोनों गप्पे मार रहे थे, उसको कहानी सुननी थी सुबह सुबह और फिर बस ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ पर हमारा वीडियो चल रहा है और इनको भी रेडी होके पापा मम्मी के यहाँ जाना है बट ये रेडी नहीं हो रहे। 9 बजे जाने का नाम लिया था, 9 बजे निकलूँगा पर ये कंफर्म नहीं किया था उन्होंने कि रजाई से या घर से निकलेंगे 9 बजे। तो बस अभी मेरा काम तो तैयार हो चुका है, अब ये रेडी हुए खाना खा लें आराम से और फिर जा सकते हैं। तो मैं दूसरे वो एक काम करूँगी अभी और उसके बाद ही मैं जाऊँगी। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अब मैं करूँगी थोड़ा सा 10 मिनट रिलैक्स। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ छत पर और नीत और हम खेल रहे हैं होली। सो नीत ने मुझे कलर लगाया है और इसको बहुत मज़े आए, मैंने भी नीत को कलर लगाया, उसने पापा को कलर लगाया और उसको बहुत मज़े आ रहे थे होली खेलने में। तो बस इस तरह से अपनी पिचकारी से खुद को गीला नहीं कर रहा था, मुझे भी गीला नहीं कर रहा था, बस वो छत पे पानी डाले जा रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बाल्टी भर कर रख दी है, इसी से वो खेल रहा था मस्ती कर रहा था। और हमारे यहाँ पर गार्डन में बहुत ज़्यादा साउंड था इस वजह से मैंने कुछ भी वॉइस से शूट नहीं किया है, इवन आगे की क्लिप्स भी आपको विदाउट वॉइस ही मिलेंगी कुछ। तो बस इस तरह से नीत मस्ती कर रहा है, जब मैंने इस पर पिचकारी डाली तो पूरी छत पर इसने मुझे दौड़ा दिया। तो बस अब हम नहा के रेडी हो चुके हैं, नीत भी रेडी हो चुका है और मैंने बना दी है अपने लिए चाय और नीत भी यहाँ पर अपनी कार के साथ मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। तो आज हमारा होली का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा हम दोनों ने बहुत मस्ती करी, बहुत खेले। तो बस इस तरह से हमारा होली का फेस्टिवल अच्छा रहा। ये वीडियो आपको काफ़ी लेट मिल रहा है क्योंकि मुझे बिल्कुल एडिटिंग का समय नहीं मिल पा रहा था, तो बस मैंने अभी रिसेंटली ही इसको एडिट किया है। तो गाइज अब हम मिल रहे हैं सीधा शाम को 5 बजे, जी हाँ, क्योंकि क्या है कि सामने एक ऑडिटोरियम है जहाँ पर गेम्स वगैरह होते हैं, बेसिकली क्रिकेट हो गया या बैडमिंटन हो गया या जो भी है। तो वहाँ पर क्या होली पार्टी थी और सुबह से लेकर अभी तक 10 मिनट पहले तक ना बहुत लाउड म्यूजिक था। तो ये खाली बोतल से खेल रहा है और ये अपना हर चीज़ आपको आके बताने लग गया है। सो बस ऐसा ही है, तो कुछ बोल तो सकते नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट का इशू रहता है और फेस्टिवल्स पे चलते हैं, वेडिंग्स में भी यहाँ आसपास 2-3 गार्डन हैं, वेडिंग गार्डन्स हैं, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो बस अभी हम लोग बैठे हैं, नीत के पापा कहीं गए हुए हैं। एक्चुअली हुआ ये कि सुबह सुबह ही पता चला, हम लोग का प्लान था कि हम ससुराल चले जाएंगे, मेरे ससुराल मतलब हम लोग सब, और बट किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, ज़्यादा दूर का भी नहीं है, ज़्यादा क्लोज का भी नहीं है, तो इस वजह से मेरी मदर इन लॉ भी वहाँ पर जाएंगी, मतलब ऑलरेडी वो जा चुकी थी दिन में। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड को भी जाना था क्योंकि फादर इन लॉ नहीं जा सकते थे,
उनका अभी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उनको 1.5 महीना हो चुका है अभी। हालांकि अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है, ठीक है, बट स्टिल उनको नेक्स्ट 15 to 20 days बेड रेस्ट रहेगा। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड को जाना था, इस वजह से वो आज होली नहीं खेले, उनका मन भी नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि नीत होली से मतलब थोड़ा सा वंचित रहे। तो इस वजह से मैंने और नीत ने खूब सारी होली खेली। तो गाइज अब हम मिल रहे हैं सीधा रात को 9:30 बजे। तो मैं अपने ससुराल चली गई थी, वहीं पर हमने खाना वगैरह शाम का सब साथ ही खाया। इस तरह से मेरा आज होली का व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, मैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी रील्स बना रही हूँ, डाल रही हूँ। सो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, नीत बाय, बोलो बाय। Happy Holi, बोले Happy Holi। Happy Holi। Happy Holi।